2015 में वित्त मंत्री ने मुद्रा की घोषणा की, और जब उन्होंने बजट में घोषणा की उन्होंने ये कहा कि मुद्रा एक रीफाइनेंस संस्था होगा, यानी कि मुद्रा सीधे व्यक्तियों को लोन नहीं देगा, मुद्रा वित्तीय संस्थाओं को देगा, और वो वित्तीय संस्था बैंक हो या और कोई संस्था हो ब्याज का दर घटाएगा, सब्सिडी देगा, और वो सब्सिडी मुद्रा से आएगा। ये मुद्रा का जो पहले प्रारंभिक उद्देश्य ये था कि मुद्रा एक रीफाइनेंस संस्था होगा, सबने उसका स्वागत किया। और देखिए ये खेल जो प्रधानमंत्री बार बार दिखाते हैं, मुद्रा की परिभाषा उन्होंने बदली, और जो पिछले कई सालों से एमएसएमई सेक्टर को सहायता दिया जाता था उसको मुद्रा के परिभाषा के अंदर शामिल कर दिया। तो अभी एमएसएमई में जो 10, 15, 20 साल से अलग अलग बैंकों से अलग अलग संस्थाओं से जो सहायता दिया जाता था लघु उद्योग को, सूक्ष्म उद्योग को, मध्यम उद्योग को,